पीएम आवास, सुदूर सड़क, कुप निर्माण शौचालय, आंगनवाड़ी भवन, नाला गहरीकरण, ऐसे शासन की अन्य योजनाओं में भारी गड़बड़ी की शिकायत नवागत सरपंच के साथ ही ग्रामीणों ने जनपद पंचायत सीईओ को कर जांच की मांग की है। नवागत सरपंच हीरालाल सोलंकी ने शिकायत में बताया कि कन्नौत विकास खंड जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सुरानी में पूर्व सरपंच रोजगार सहायक के द्वारा ग्राम पंचायत में शासन की योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं दिया गया एवं विकास कार्य जो कराए गए वह भी आधे अधूरे हैं। वर्तमान सरपंच हीरालाल पिता खुशीलाल सोलंकी के साथ ग्रामीणों ने आकर जनपद सीईओ टीना पवार को लिखित में शिकायत की। उधर रोजगार सहायक संतोष यादव ने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वह निराधार है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। जब पंचायत में मैं बैठा कुर्सी पे, जब मैंने सब भाइयों से पूछा तो मेरे को कम से कम 5-10 लोग ने ये बोला है कि संतोष को 50,000 दिया, उसने हाँ भरी मेरे सामने, मेरे पास लिखित में है। संतोष को ने सहायक सचिव सचिव कौन है तुम्हारे यहाँ? संतोष यादव सचिव सचिव गोपाल नायक गोपाल नायक है ना। जब उन्होंने सामने मेरे को लिखी है भैया सरपंच साहब संतोष ने उसके बाद चार पैसे लिए। आप क्या कह रहे हैं? रोजगार सहायक ने ये पैसे लिए 50,000 रुपए। रोजगार सहायक सबसे 10,000 रुपए लिए, वो सबकी साइन के साथ मोबाइल में उनका फोटो सहित मैंने करा है। कहाँ है वीडियो बताओ इनको, वीडियो भी बनाया है। संतोष बोलता सहायक मेरे क्या कर लोगे? आपकी बात हुई सरपंच साहब आपकी? मेरी हुई ना, क्या बोले मैंने कर दिया और उसके बाद का क्या मामला है? किस मामले को लेके सब गांव के लोग आए? 12,000 रुपए निकाल के उन्होंने ले लिए आपसे। किनने ले लिए? सरपंच साहब ने। अरे खाता में निकाल लिए उन्होंने, तो निकाल लिए मेरे खाते से निकाल लिए उन्होंने। पैसा आ रहा है, लगा हुआ है। कौन ने निकाल लिए? ये सरपंच ने निकाला। सचिव तो आपसे साइन करवाई थी, नहीं करवाई थी? खाते में पैसे निकाले तो पासबुक ले आता सचिव आया, ये मांगेला ले बोले कि पैसे निकाल दो, हमको रोड का पैसा देना, वहां का देना। कौन सा मंत्री, क्या नाम उसका? संतोष। कौन है ये पद पे? सहायक सचिव। सहायक सचिव ग्राम पंचायत सुरानी, इसने आपके पैसे निकाल लिए? कितने हजार? 12,000। दुर्गेश मंत्री थे। एक मिनट बाबा, हाँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवलाल हजारी। कौन सी ग्राम पंचायत में रहते हैं आप? सुरानी पंचायत। अब बताइए क्या मामला है? मामला ये है, सरपंच से पहले सचिव से ही पूछी मैंने, मैंने कहा यार मेरे जीवन धारा में कुआ करवा दी, भाई नक्शा निकला ले। अब मैंने जीवन खसरा की नकल निकला के नक्शा निकला लिया, फिर नक्शा के सरपंच साहब नलवारी में दाब दिया, फिर मैंने की मैंने कह रहे वो नक्शो जमा नहीं करो, हाँ के ले जाते रहे यार, फिर उसने जमा कर दिया। फिर कुआ एक सरू में मेरा कुआ खोदिया और एक मोजीराम लोवंशी का कुआ खोदे, दो कुआ का नंबर था पहले पहले, है नहीं? तो उसको तो बांध भी दियो और खोद भी दियो और मेरे 12 फीट करके छोड़ दियो, वो जेपीसी वाला ठेको दे दियो, वो मेरे पास आए। तो मैंने उनका तेल का डीजल का 50,000 रुपया दिया ब्याजा ला के, और 4 साल मैंने जमीन जुता जुता के सर मैंने पैसा चुकाया, और फिर भी वो जेपीस वाला पैसा मेरे से मंग रहा है। मैंने कहा भैया मेरे नाम की कार्रवाई कर, मैं अंधो आदमी कहाँ से दूँ? आप सुरदास हो बाबा? तो पंचायत से आपको पैसा नहीं मिला? फिर नहीं मिला? नहीं, कुआ जो खुदा खुदाया उसको कोई पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। वो आपका जब से लगा? सरपंच मंत्री क्या बोल रहे हैं इस संबंध में? शपथ ग्रहण करे जब पुराने सरपंच जो थे था, क्या नाम था उनका? कमल सिंह। और मंत्री कौन था आपके? रोजगार सहायक दुर्गेश। उनसे ही बात हुई ना? हाँ, अभी अभी हुई थी होटल में। ऐसा भाई तेरह मानो जो कर तेरा कुआ नहीं है। वहाँ के लोगों के कहना बेटा हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।